नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत के बारे में। जीवित पुत्र का, जिसे जीवतिया पर्व भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष यह पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा। वैसे तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को दोपहर 2:14 से ही हो जाएगा और समाप्ति 18 सितंबर शाम 4:32 पर होगी, परंतु किसी भी पर्व को उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और उस नज़रिए से जीवित पुत्र का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 6:34 तक सिद्धि योग रहेगा। यह बहुत ही शुभ समय होता है। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पारण के लिए शुभ दिन रहेगा। इस व्रत का पारण करने का शुभ समय सुबह 6:10 के बाद रहेगा। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, अभी तो 3 दिन तक चलने वाला पर्व होता है। पहले दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं, जो कि इस वर्ष 17 सितंबर को होगा। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करती हैं, फिर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वे इस दिन मछली का भी सेवन करते हैं। वहीं शाकाहारी महिलाएं इस दिन मड़ुए के आटे की रोटी बनाती हैं, फिर रोटी के साथ नोनी का साग बनाती हैं। कहीं कहीं पर आटे और गुड़ से बने रोट भी बनाकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन बनाए जाने वाले भोजन को घी और सेंधा नमक में बनाने की परंपरा होती है और नहाए खाए के दिन यही सब खाकर महिलाएं व्रत की शुरुआत करती हैं। परंपरा होने के साथ साथ मड़ुआ और नोनी का साग ग्रहण करने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। नोनी में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ऐसे में लंबे उपवास से पहले इसे खा लेने से कब्ज की परेशानी नहीं होती है। मड़ुआ भी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल इस दिन किया जाता है। इसके बाद महिलाएं इस दिन रात में चील और सियार की भी पूजा करती हैं। इन सब परंपराओं से व्यक्ति का प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है, तो नहाए खाए का दिन कुछ इस प्रकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत रखा जाता है और अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं यह व्रत निर्जला रखती हैं। उन्हें 24 घंटे से भी ज़्यादा निर्जला रहना पड़ता है। व्रत के दौरान माताएं अपने गले में लाल या पीले धागे से गुथा हुआ जीवतिया भी धारण करती है। वहीं कुछ महिलाएं सोने से बना हुआ जीवतिया भी धारण करती हैं। हालांकि यह पूरी तरह से श्रद्धा और यथाशक्ति पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं मन्नत पूरी होने पर सूर्यास्त और सूर्योदय को अर्घ्य भी देती हैं। अर्घ्य देने के लिए वे विभिन्न प्रकार की चीज़ों से थाल सजाती हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं, फिर पूजा पाठ कर भजन कीर्तन इत्यादि करती हैं। इसके बाद अगली सुबह यानी पारण के दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और इसके बाद अन्न ग्रहण करती हैं। आमतौर पर यह त्यौहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। वहीं नेपाल में भी यह पर्व बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अलग अलग जगहों पर इस पर्व को मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु भावना सिर्फ एक ही है, अपनी संतान का सुख। कहते हैं माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और यह व्रत भी एक प्रकार से इस बात का सबूत है। सभी माताओं और बहनों को इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।